वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हसीना। तो आज मैंने ये देखिए भिंडी की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी तैयार की है जो बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही डिलीशियस। आप देख सकते हैं इसका कलर जो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। इसके लिए एक छोटी सी टिप है जो मैं आपको वीडियो में शेयर करूंगी, तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गली है, कच्ची नहीं है। तो आपको ऐसा लगेगा कि हरी हरी है तो कच्ची है, लेकिन ये बिल्कुल गल चुकी है अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भिंडी की एकदम सिंपल सी रेसिपी, लेकिन बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन रख दिया है, इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच ऑयल, 1/2 चम्मच राई डालेंगे तेल गर्म होने के बाद, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/2 किलो भिंडी के लिए यहाँ पर मैंने 3 बड़े प्याज लिया है इस तरह से स्लाइस कट करके, और 4 से 5 हरी मिर्ची, टमाटर 1 बड़ा टमाटर है। तो राई जीरा डालने के बाद हम प्याज डालेंगे, हाफ टीस्पून नमक ऐड करेंगे ताकि जो प्याज है सॉफ्ट हो जाए। तो इसे अच्छे से फैला के लेंगे, हमें इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस सॉफ्ट होना चाहिए। तो अच्छे से सॉफ्ट होने तक हमें इसे चला के लेना है। गैस का फ्लेम इस वक्त मीडियम है। तो देखिए प्याज सॉफ्ट हो गया है, कम से कम 3 से 4 मिनट लग गए हैं इसको, मतलब थोड़े थोड़े देर में इसको चलाते रहना है। और हम डालेंगे 1 टमाटर कट किया हुआ, हरी मिर्ची भी डाल देंगे, मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इसको भी अच्छे से, टमाटर भी सॉफ्ट होना चाहिए, तो अच्छे से चला के लेंगे। जब इसे फिर वो एकदम स्लो करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे ताकि जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद इसे फिर से हम चला के लेंगे। ये जो टमाटर है तो इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं ताकि जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए इस तरह से करना है, कोई कोई टमाटर जल्दी सॉफ्ट होता है, किसी किसी को वक्त लगता है, तो वो हिसाब से आप टाइम सेट कीजिए। देखिए 1/2 किलो भिंडी लिया है, इस तरह से कट करके लेना है, धो के अच्छे से 2 से 3 पानी से धो के, और थोड़ा सा इसको सुखा के, सूखने का मतलब है ज्यादा नहीं एकदम सुखाना है, बस थोड़ा सा पानी इसका थोड़ा निकल गया, इसके बाद इसको कट करना है। तो हम इसमें भिंडी डालेंगे। बहुत ही सिंपल सी और एकदम मजेदार सी रेसिपी बनकर रेडी होने वाली है और बहुत ही कम समय में तैयार होती है। अब इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, ध्यान से पहले भी हमने नमक डाला हुआ है थोड़ा सा, तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डाल के लेना है। तो चलिए गैस के फ्लेम को एकदम स्लो रखेंगे और अच्छे से चलाएंगे। तो अच्छे से चलाने के बाद इसको मैं 1 मिनट के लिए ऐसे ही रख देती हूँ, इसको ढकना नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटी सी टिप है कि अगर आप ढक्कन ढाकेंगे तो इसका जो कलर है भिंडी का वो चेंज हो जाएगा, तो हमें कलर चेंज नहीं करना है। तो इसीलिए मैं इसको ढक के नहीं पकाती हूँ, बस इसको सामने खड़े रह के ही पकाना है, क्योंकि ढक रहे में हम लोग हम इसे छोड़ के जा नहीं सकते। 1 मिनट के फिर से इसे चलाएंगे अच्छे से, और इसको ऐसे ही 1-1 मिनट के बाद चलाते रहेंगे। इस तरह से भिंडी गल जाएगी और हमारे जो सब्जी का कलर है वो बिल्कुल बरकरार रहेगा। बस 1 मिनट के बाद हम इसे चलाएंगे फिर से, इसी तरह से अच्छे से चला के लेना है और फिर से 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो मेरा यहाँ पर जो गैस है वो एकदम स्लो है, तो आपके गैस के ऊपर भी डिपेंड है कि वो कितना स्लो होता है। अगर हो सकता है आपको 1/2 मिनट से चलाना पड़े, फिर से इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे जब तक कि हमारा ये जो भिंडी है वो अच्छे से गल नहीं जाए। देखिए फिर से मैं इसे चला रही हूँ,
आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि हमने इसे ढका नहीं है इसलिए। तो ये देखिए भिंडी के साथ हमारे यहाँ फुलके बन रहे हैं। तो ये हमारा रात का डिनर है, तो बिल्कुल बनकर रेडी है। मैं अभी गैस को फ्लेम को बंद कर देती हूँ। देखिए मैंने इसको ढककर नहीं पकाया, तो इसका कलर देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगती है और जल्दी बनकर तैयार होती है। तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। तो चलिए इसे मैं अभी डिश आउट करके लेती हूँ। इसके पहले हम इसमें हरी धनिया से गार्निश करके लेंगे। इसमें हरी धनिया डाल देती हूँ। अगर आपके पास कड़ी पत्ता अवेलेबल है तो आप इसमें बाजार में कड़ी पत्ता भी डालिएगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप जरूर डालिएगा। तो चलिए, तो देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। तो चलिए इसे मैं निकाल लेती हूँ। ठीक है, बस बिल्कुल ऐसा होने के बाद ही ढकेंगे ना, तो इसका कलर ऐसे ही रहेगा। तो देखिए बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवाब भिंडी की रेसिपी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर करें, और अगर चाहे तो आप इसमें प्याज अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। हम लोग मैंने इसमें ज्यादा डाला है, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है प्याज ज्यादा रहेगा तो भी। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मुझे दुआ में जरूर याद रखिए। बहुत ही टेस्टी बना है।